वेलकम बैक नाजी, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अनिला साहिबा, डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह हैं, अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ वुमेन्स एंड एम्पावरमेंट काउंसिल की भी सरबराह हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी मीसा। एक तो अमेरिका के सरबराह प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन साहब की इनॉग्रेशन हुई, प्रेसिडेंट हुए, एक तब्दीली आई है, क्या पॉलिसी में भी तब्दीलियां आएंगी, आपको क्या लग रहा है? जी, ये तो बहुत ही हमारे लिए आज एक बहुत अच्छी सुबह है कि हमारे नए प्रेसिडेंट हैं, व्हाइट हाउस में डिसेंसी और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई है। और हम समझते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी जिसकी जो कि ट्रंप ने अपने विम्स पे करते थे, जब उनकी मर्जी आती थी वो एक नई फॉरेन पॉलिसी ट्वीट कर देते थे, तो उनको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, हेड हैं टोनी ब्लिंकन, वो सेनेट में उन्होंने काम भी किया है जो बाइडन के साथ, उनसे बहुत क्लोज हैं और उन्होंने ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया था। तो हम समझते हैं कि वो बहुत अच्छी एक पॉलिसी करेंगे जो कि बेस्ड होगी डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक आइडियल्स में, और दूसरी होगी ह्यूमन राइट्स में, कि अमेरिका को पुटिंग अस बैक ऑन ट्रैक ऑन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। उसके अलावा जो उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी पॉलिसी ये नहीं होगी कि सिर्फ रिपब्लिकन्स की होगी, वो कंसेंसस से बिल्ड होगी, डेमोक्रेट्स भी होंगे और रिपब्लिकन्स भी होगी, तो वो ना सिर्फ मुल्क के अंदर बाईपार्टिजन सपोर्ट से बिल्ड करेंगे पॉलिसी, बल्कि दुनिया में भी कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसकी उनको कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट नहीं होगी दूसरी ममालिक से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हम सब के लिए जिनके इंटरेस्ट हैं थर्ड डिवेलपिंग कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान है। तो हमें पता है कि ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अब ये सुलझी हुई होगी, ये फॉरेन पॉलिसी इंटीग्रेट करेंगे इनटू ह्यूमन राइट्स, और जो नंबर वन उन्होंने चीज की कही है कि औरतों का जो मुकाम है वो बढ़ाएंगे, ना सिर्फ अमेरिका में, आपने देखा ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी औरतें हेड बन गई, इंटेलिजेंस की भी हेड आ गई हैं, हमारी वाइस प्रेसिडेंट भी औरत हैं, तो ये वुमेन का जो रोल है दुनिया में ये बढ़ाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा जो कि ट्रंप ने, आपको पता है, पाकिस्तान में एड खत्म कर दी थी, तो कोई डेवलपिंग प्रोजेक्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उनको पैसे दे रहे थे जिनसे उनको पर्सनली फायदा मिल रहा था। अब डेमोक्रेसी अमेरिका के इंटरेस्ट पे, हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के इंटरेस्ट पे होगी कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। उसमें ये होगा कि जैसे जो आम सेल इन्होंने कहे थे ट्रंप साहब ने, उनको भी कट बैक होगा, तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक गुड न्यूज है कि एक सुलझा हुआ डिप्लोमैट पॉलिसी बनाएगा अमेरिका के लिए। एक और चीज जो रेसिज्म जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान बढ़ी थी, उसके हवाले से कोई तब्दीली, उस रेसिज्म को कैसे रोका जाएगा जो उस चार साल दौर में जो है ना रेसिज्म को एक बड़ी हवा मिली थी? जी, इसके लिए बहुत सारे प्लान्स तो ये हैं कि आपने खुद देखा होगा, ये तो दुनिया ने देखा कि हमारा जो अमेरिका में सबसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन सेनेटर जॉर्जिया से इलेक्ट हुए हैं, जहाँ के इम्पॉसिबल था कभी कि पर्सन ऑफ कलर आएगा, वहाँ पर ऑल्सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जॉर्जिया से एक ज्यूइश सेनेटर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा आपने देखा जो बाइडन की कैंपेन में कितनी औरतें, कितने लोग हैं कलर के, यानी कि जो हम कहते हैं पाकिस्तानी, साउथ एशियन डिसेंट के, इंडियन, उसके अलावा एशियंस में कोरियंस, चाइनीज, अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत अच्छे अच्छे ओहदे दिए हैं, डिफेंस के भी हेड हमारे अफ्रीकन अमेरिकन हैं। तो जब हमारे जो पीपल ऑफ कलर हैं वो देखेंगे कि ये गवर्नमेंट इंक्लूसिव है, तो उनके अंदर जो एक यू नो जो मार्जिनलाइज होने की फीलिंग थी वो खत्म होनी शुरू होगी, जो कि ट्रंप साहब ने, आपने देखा सबसे पहले कल उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यही था कि ट्रंप का मुस्लिम बैन खत्म करें, उसके अलावा रिस्टोर करें राइट्स फॉर द एलजीबीटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। मैं जितना जानती हूँ बाइडन साहब को, मुझे ये पता है कि उनका दिल बहुत अच्छा है, ही इज अ गुड क्रिश्चियन, ही इज अ गुड कैथलिक, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, और जो एक अच्छा इंसान होगा तो वो एक अच्छा लीडर भी बनेगा, वो कंपैशन से लीड करेगा। आपको पता है कि जहाँ मैं
हूँ डीसी में, यहाँ पर कितनी होमलेसनेस है अमंगस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो ये चीज़ें उनको बहुत बुरी लगती हैं बाइडन साहब को। तो आई थिंक वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छे कंपैशनेट लीडर होंगे और वो यही चीज़ों को फाइट करेंगे, डोमेस्टिक होमलेसनेस, उसके अलावा पॉवर्टी, कोविड है, ये सारा जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इसलिए वो आगे बढ़ नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखें तो हम क्योंकि आते हैं तो हम हमारा माइंडसेट जरा डिफरेंट है, हम डिफरेंट टाइम पीरियड पे आए हैं, हम अपनी चॉइस से अमेरिका में आए हैं, तो हमारे लिए इजी है टू क्लाइम द लैडर। अफ्रीकन अमेरिकन के लिए आपको पता है वो अमेरिका अपनी पसंद से नहीं आए, वो एक ग्रुप है अमेरिका में जो कि अपनी पसंद से नहीं आया, उनको स्लेव्स बना के लाया गया था। तो इस तरह से अगर वो उनको दिखाएंगे कि वो भी लीडरशिप में आ सकते हैं, अमेरिका उनका मुल्क है, तो ये रेसिज्म को हम सबके लिए खत्म करेगा और दुनिया में भी हमें लीडर बनाएगा। ठीक है सेनेटर साहब, आप क्या रिस्पोंड करेंगे? एक नई सुबह, जिस तरह अनिला साहिबा ने कहा, आप क्या रिस्पोंड करेंगे? बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ अनिला साहिबा की हर बात से। और जो नवा सदर अमेरिका का है, दुनिया के लिए एक अच्छी नवीद है। और इससे जो है प्योरिटी और टॉलरेंस और सुलझा हुआ माशरा, जो मैंने पहले कहा था कि इनकलाब फ्रांस के बाद जो 200 साल, सवा 200 साल में जो तब्दीली आई है, जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, औरतों के हुकूक है, स्लेवरी का ख़त्म होना है, और जो है दुनिया में बकाए बामी है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर, और जो ईरान का जो इशू है जिसमें वेस्ट और ईरान की बातें चल रही थी, यूरोप से ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो ये मेरे ख्याल से दुनिया के लिए, खित्ते के लिए और यूनिवर्स के लिए एक अच्छी है। क्योंकि ट्रम्प जो है वो तसाद की तरफ लेकर जा रहा था। ट्रम्प की पॉलिसीज ऐसी थी जो कि जिस तरह हिटलर और मसोलिनी की थी, और इससे जो है अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, इस खत्ते को फ़ायदा होगा, क्योंकि कैरी लोकर बिल भी यही लेकर आया था जिसमें सिविलियन बालादस्ती थी। और अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिका निकल रहा था, अब कम से कम अमेरिका निकलेगा, बट स्लोली निकलेगा, क्योंकि दोबारा ये तालिबान जो दहशत गर्द है ये आकर कब्ज़ा नहीं करें और खत्ते में अमन अमान ख़राब नहीं करें, तो ठीक है। ये बेहतर होगा। हाँ, एक डिवीजन थी जो सेनेटर साहब यहाँ करें, वो डिवीजन को जो है ना, उस डिवीजन को जो है ना, उसमें एक किरदार होगा नए प्रेसिडेंट का, उस डिवीजन को ख़त्म करे। जिस तरह सोसाइटी को डिवाइड किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको ख़त्म करेंगे। क्या कहेंगी आखिरी में? जी, अभी जो सेनेटर साहब ने कहा उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि ये सब हमारे लिए वरीसम चीज थी कि हम फौरन निकल रहे हैं अफगानिस्तान से, जबकि हमें पता है कि उस एरिया में टेररिस्ट ग्रुप्स फंक्शन कर रहे हैं और स्ट्रांग हो सकते हैं। अब आपको पता होगा कि पोम्पियो ने जाने से पहले ईरान के खिलाफ शुरू कर दिया था कि आप वॉर पे जाएंगे, उसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि अलकायदा ईरान में आ गया है। तो इस तरह से ये हुआ कि एकदम फियर आ गया कि अब वॉर दोबारा होगी। तो इस तरह की चीजें जो बाइडन से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो उनकी, और टोनी ब्लिंकन जो है वो हमारे स्टेट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो खुद इतना अच्छी तरह से जानते हैं फॉरेन पॉलिसी को, और उन्होंने कहा है जो मेरा फोकस होगा वो कंसेंसस बिल्डिंग का होगा। ये द फैक्ट कि वो हु में हम वापस आ गए हैं, तो ये मतलब है कि जब हम ह्यूमन राइट्स हम कहेंगे कि भाई टेररिज्म खत्म करो, तो हम उसके साथ आपको कहेंगे ठीक है हम आपको एड देंगे और ये खत्म करें, औरतों को अच्छी पोजीशंस दें, उनको पढ़ाएं दुनिया में, उनको गवर्नमेंट में आने दें। तो इस तरह से वो हमें बैक ऑन ट्रैक लाएंगे कि जैसे हम यूज करेंगे एड को टू फॉर फॉरेन पॉलिसी गोल्स, ये नहीं कि हम थ्रेटन करें। वो जो थ्रेटनिंग का एरा था वो खत्म हो गया है, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है अमेरिकन्स के लिए। बड़ी मेहरबानी। मेरे साथ अनिला अली साहिबा यूएसए से, वाशिंगटन डीसी से थी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने तज्जिया दिया। ना ब्रेक जो टाइम थी, ब्रेक खत्म होता है।